हेलो फ्रेंड्स, आप सबों के एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था भारतीय पठार के बारे में और भारतीय उपमहाद्वीप के जो पठार हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ों का हमने देख लिया था। आज हम लोग पूर्वी दक्कन पठार में देखेंगे दंडकारण्य और बस्तर का पठार। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दंडकारण्य बस्तर का पठार कहाँ है, कैसे है, इसकी विशेषता क्या है, इन सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो है हमारा पूर्वी दक्कन पठार, और इसमें हमने पढ़ा था छोटा नागपुर पठार के बारे में, छोटा नागपुर पठार के बारे में, और इसमें हमने दो पठार देखे थे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इसी में हम लोग कोडरमा हजारीबाग पठार देखे थे और एक देखे थे रांची पठार। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो दामोदर है और ये महानदी है, तो महानदी वाला जो क्षेत्र है यानी कि महानदी घाटी क्षेत्र जो है वो आपको मिलेगा दंडकारण्य बस्तर पठार में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो ये जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे वो इस प्रकार से मान लेते हैं, यह है हमारा ये पूरे दक्कन पठार का दंडकारण्य बस्तर का पठार है आपका। इस प्रकार से ये डिवाइड हुआ है, मान चलिए ये हो गया, और बीच में हमारा पड़ जाता है छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, और ऊपर वाला जो था वो हमारा था छोटा नागपुर पठार। ये तो आप लोगों को मैंने अच्छी तरीके से बताया है। बीच में हमारा हो गया छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, और नीचे वाला जो है वही है हमारा दंडकारण्य पठार। तो दंडकारण्य पठार ये पूरा भाग है, लेकिन इसका अगर हम लोग इस वाला इलाका जो खास इलाका है इसको अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है हमारा बस्तर पठार। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, और यहीं से होकर के गुजरती है हमारा, बहती है, इसी में जो घाटी क्षेत्र जो मैदानी भाग बना हुआ है वह होता है हमारा छत्तीसगढ़ मैदान और महानदी बेसिन। तो ये जो हो गया हमारा यहाँ पर महानदी, ये महानदी वाला इलाका हो गया। तो आपको इतना इसको ध्यान में रखना है। इसका इसी प्रकार से डिवीजन हुआ है, तो छोटा नागपुर पठार हो गया, नीचे में होगा दंडकारण्य पठार, इसी में है हमारा बस्तर पठार, और ये जो है हमारा महानदी या महानदी बेसिन जो है वह छोटा नागपुर पठार के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है। तो ये आपको याद रखना है कि महानदी घाटी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है, ये आपको याद रखना है। तो हम इसके बारे में एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको पहले ये याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार को जो अलग करता है वो होता है हमारा छत्तीसगढ़ बेसिन यानी छत्तीसगढ़ मैदान, और साथ साथ में महानदी बेसिन, और इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती है ये भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे दंडकारण्य बस्तर का पठार के बारे में। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, उसमें छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन जो है वह छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया। इसके बाद है यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ वह है महानदी, ये है हमारा मेन नदी, और इसकी अन्य सहायक नदी जो है उसमें है ईब और मांड नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस जो क्षेत्र है हुआ जहाँ पर भी मैंने बताया, तो उसका जो है सबसे मेन नदी है वो हो गया हमारा महानदी। और अगला है छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन में कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। तो ये है आपको याद रखना कि छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन जो है यानी कि जो महानदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पर आप लोगों को कोयला क्षेत्र मिलेंगे, यानी कि कोयला की यहाँ पे उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। मैंने आप लोगों को पूर्वी दक्कन पठार में ही जब छोटा नागपुर पठार पढ़ा रहा था तो उस समय दामोदर घाटी जो निगम है यानी कि दामोदर घाटी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कोयला की बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, और धनबाद को कोयला राजधानी भी कहते हैं भारत की, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसी प्रकार से जो महानदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पर भी कोयला की प्रचुर उपलब्धता है, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं इस मैप को थोड़ा सा और एक बार बता देता हूँ। तो मान लेते हैं यह इस प्रकार से है, और इसका जो है डिवीजन कुछ इस प्रकार से मैंने अभी बताया था। तो यही हो गया हमारा छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, और ये तो हमारा था दंडकारण्य बस्तर पठार इसी को, और ऊपर वाला जो था वो है छोटा नागपुर पठार। तो ये जो है महानदी इसी वाले भाग से होकर के बहती है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है वो जो इलाका है यही है हमारा कोयला के लिए फेमस है। तो ये आपको मैप को याद रखना है। अब हम बात करते हैं
दंडकारण्य पठार के बारे में, और उसी में हम लोग देखेंगे बस्तर पठार को। बस्तर दंडकारण्य का पठार का जो विस्तार है वह मुख्य रूप से, यानी कि मेनली हम कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। ये दो राज्यों में इसका विस्तार पूरी तरीके से है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो विस्तार है वह इन्हीं दो राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। इसके बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मुख्य विस्तार है वो तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मैंने बता दिया। इस पठार पर आर्कियन और धारवाड़ क्रम की सेल और चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों ये जो पठार है हमारा बस्तर पठार और दंडकारण्य का पठार, उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें और साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। उसके जो सेल होते हैं वही सेल सबसे मिलकर के ये जो पठार बना है। और यहाँ पर बात करेंगे तो दंडकारण्य बस्तर पठार खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हमारा दंडकारण्य बस्तर पठार है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खनिज संपदा पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और पाए जाते हैं दंडकारण्य बस्तर पठार में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी जो मेन रोल है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है इसका, क्योंकि यह खनिज संसाधनों से भी परिपूर्ण है। भारत में टीन धातु सबसे ज़्यादा दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर पठार में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे ज्यादा जो टीन धातु होती है वह इसी दंडकारण्य बस्तर पठार में स्थित जो है बस्तर पठार, यहीं पर पाया जाता है टीन धातु। टीन धातु आपको सबसे ज्यादा मिलेगा बस्तर पठार में, जिसको हम लोग SN कहते हैं, इसका हम लोग संकेत में लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा टीन धातु कहाँ मिलता है? तो वह मिलता है बस्तर पठार में स्थित, सॉरी दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर पठार पे पाई जाती है। इसके बाद है बेलाडीला पहाड़ियाँ या बेलाडीला की खाने लो एस के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं बेलाडीला पहाड़ियाँ, या तो फिर बेलाडीला की जो खान है वहाँ पर आपको लो एस्क सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि यहाँ से निकाला भी जाता है। तो बेलाडीला की पहाड़ियाँ बोलिए या तो फिर बेलाडीला की जो खान है वह लो एस्क के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार में जो जमशेदपुर का इलाका होता है गुआनवामुंडी, वहाँ पर भी आपको लोह एस्क की खाने मिलती हैं, लोह एस्क की वहाँ भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला भाग है, यानी कि दंडकारण्य बस्तर पठार वाला जो भाग है वहाँ पर भी आपको लोह एस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, वहाँ से उत्पादन भी किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और साथ साथ में जो बस्तर है वहाँ पर आपको टीन धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा में अब हम बात कर लेते हैं नदियों के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में इसी दंडकारण्य बस्तर पठार वाले क्षेत्र में। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ इंद्रावती नदी जिसमें से प्रमुख है, तो इसी इंद्रावती नदी का जो उद्गम है वह इसी दंडकारण्य बस्तर पठार में ही है। और यह जो इंद्रावती नदी है वह बस्तर पठार को दो भागों में बांटती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है हमारा दंडकारण्य बस्तर पठार है, इसी में है हमारा इस तरफ में बस्तर पठार, और इंद्रावती नदी इसी बस्तर पठार को दो भागों में काटती है। तो ये हमारा हो जाता है इंद्रावती नदी, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो इंद्रावती नदी है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है गोदावरी नदी और इंद्रावती नदी इधर से बहती हुई इसकी इसी में आकर के मिल जाती है। तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है इंद्रावती, उसका उद्गम है हमारा दंडकारण्य बस्तर पठार में, और इसी इंद्रावती नदी के द्वारा बस्तर पठार को दो भागों में बांटा जाता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ये भी हो गया आपका। इसके बाद है दंडकारण्य बस्तर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है नंदीराज। ये आपको याद रखना है कि ये जो है दंडकारण्य बस्तर पठार उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। ये आपको याद रखना है 1210 मीटर। छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी थी उसका नाम है पारसनाथ, ये मैंने आप लोगों को बताया था। और इसकी जो ऊंचाई थी वह 1365 मीटर, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और ये जो पारसनाथ है वह कोडरमा हजारीबाग पठार में स्थित है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप पिछली वीडियो में जाकर के उसको देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ का जो है दंडकारण्य बस्तर पठार की सबसे ऊंची चोटी हुआ है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। प्रमुख जगह की बात करते हैं यह दंडकारण्य बस्तर पठार में, तो वह बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बांकेर आदि। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाम सुने होंगे सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर, और साथ साथ बीजापुर को भी आपने सुन के रखा ही होगा। तो ये इस जगह की प्रमुख जगहें हैं। उसके बाद है यहाँ पर साल वन की अधिकता के कारण बस्तर को साल का द्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि ये जो बस्तर है उसमें साल वृक्ष के घने वन पाए जाते हैं, यानी साल वृक्ष पाए जाने के कारण में इसको क्या कहते हैं, साल का द्वीप, यानी साल वृक्ष का द्वीप, आइसलैंड ऑफ साल, ये हो जाएगा आपका बस्तर। तो ये आपको इतनी सारी जानकारी को याद रखना है, यह बस्तर दंडकारण्य पठार से रिलेटेड है।
दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताया था, तो उसको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो है पूर्वी दक्कन पठार, उसमें जो छोटा नागपुर पठार है, तो उसका उत्तर पूर्वी जो भाग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है पूर्वी दक्कन पठार है उसका जो है उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ आप लोग देख सकते हैं राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स के पास में ही है हमारा राजमहल, और ये जो राजमहल है वह झारखंड के साहिबगंज वाला इलाका कहते हैं, और ये जो है राजमहल वह राजमहल ट्रेप यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे राजमहल ट्रेप के बारे में, राजमहल ट्रेप, वो ट्रेप क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो राजमहल ट्रेप जो है वह पूर्वी दक्कन पठार का उत्तर पूर्वी छोर में पाया जाता है यह पठार राजमहल ट्रेप, और इसमें भी काली मिट्टी की प्रधानता है, यानी कि काली मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है। काली मिट्टी मैंने पूरी तरीके से पिछले वीडियोस में बता चुका है। तो ये जो है राजमहल ट्रेप वह झारखंड के साहिबगंज जिला ये आपको याद रखना है। तो राजमहल ट्रेप, और यहाँ पर काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है झारखंड के साहिबगंज जिले में। तो राजमहल ट्रेप क्या है उसके बारे में आप लोग पिछली वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्वी दक्कन पठार में जितने भी पठार थे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो राजमहल ट्रेप यहाँ पर था, उसको मैंने जो पूर्वी दक्कन पठार का छोटा नागपुर पठार उसमें नहीं बताया था, तो यहाँ पर उसको मैं बता दिया। और बस्तर दंडकारण्य पठार में जितने भी चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर से जरूर कीजिए।